वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से आप आपकी गूगल शीट के डेटा को HTML का जो पेज होता है उस पर किस तरह से दिखा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक HTML पे एक पेज बनाया था और एक इनवाइस बनाई थी और इसके डेटा को हमने गूगल शीट पे यहां पर स्टोर किया था। अब हम सेकंड पार्ट में इसी वीडियो को आगे इम्प्लीमेंट करके ये सीखेंगे कि जो डेटा हमने यहाँ दिखाया इसको हम फर्स्ट फेज जो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ये डेटा उस पर दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इस डेटा को क्लिक करके वापस से इस इनवाइस में कैसे डेटा हम फिल करेंगे, यानी HTML से गूगल शीट पर डेटा ले जाना और गूगल शीट से वापस से HTML पर डेटा लाना, वो पूरा मैं आपको इस सीरीज़ में क्लियर करूँगा। तो हम सबसे पहले हमारा ये है कि हमने जो ये डेटा भेजा था इसको हमें HTML पे दिखाना। तो यहाँ पर हमें एप्स स्क्रिप्ट का उपयोग करना पड़ेगा जो कि गूगल शीट के डेटा को हमें एक डेटा प्रोवाइड कर देगी और उस डेटा को लेकर हमें जावा स्क्रिप्ट का उपयोग कर हम हमारे HTML पेज पर डिस्प्ले कर लेंगे। तो इसके लिए हमने एक जो प्रोजेक्ट बनाया था उसे हम सबसे पहले ओपन करते हैं। वो यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, एक्सटेंशन में एप्स स्क्रिप्ट पर। यह पिछले वीडियो में ही मैंने डू पोस्ट पूरा बताया था, आप वहाँ से इसे डीप में समझ सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको इसके आगे का पोर्शन बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप एक फंक्शन बना लेंगे डू गेट। अब डू गेट क्यों उपयोग में ले रहे हैं, इसका रीज़न यह है कि जब भी पेज ओपन होगा तो वहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी उससे डू गेट कॉल होगा और जब हम मेथड कॉल करते हैं पोस्ट, जब डू पोस्ट कॉल होता है तो यह डेटा सेव के समय काम आ गया और यह जब हमारा पेज ओपन हो रहा जब काम आएगा। तो इसके लिए जो हम API बनाते हैं उसमें हम डू गेट कर एक फंक्शन बना लेते हैं। पैरामीटर हम इसमें भी ई रख लेते हैं, नहीं भी रखेंगे तो अगर कोई यूज़ में लेना हो तो लो, वैसे इसमें हमें ई का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने शीट ओपन की थी, यदि आप नए व्यूअर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या किया, एक शीट बनाई थी। इस शीट का जो एड्रेस होता है, जो URL होती है, वह हमने इस प्रोजेक्ट में टॉप पर यहाँ पर URL से उसे एक शीट करके एक हमने वेरिएबल बना लिया था। उस शीट्स में से हमने INV नाम की जो हमारी पहली शीट है उसको कनेक्ट कर ली थी, तो वह शीट हमारे पास INV शीट वाले वेरिएबल में है। अब इस INV शीट वाले वेरिएबल से हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इस जो डेटा है इसमें से A से लेकर E तक का जो डेटा है वो हमें वहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक टेबल डिसाइड कर लेते हैं। हमने लिया टेबल और टेबल में हम यहाँ पर हमने जो INV शीट ली थी इसको कॉपी करते हैं और इस INV शीट के हम एक फंक्शन लगाते हैं गेट रेंज। गेट रेंज क्या करेगी, पर्टिकुलर हमें उस रेंज का डेटा ला देगी। रेंज हो गई मेरी A to E, इतने कॉलम मुझे उसमें लेना है और इनकी मुझे करना है गेट वैल्यूज़, सारे कॉलम लाना है तो मैं गेट वैल्यूज़ लगा दूंगा। अब इतना करने पर क्या होगा कि यह सारे कॉलम आ जाएंगे लेकिन इनमें क्या बीच में ब्लैंक लाइन है, तो हमें यह ब्लैंक लाइन हटाना होगी। तो ब्लैंक लाइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन होता है फिल्टर, आप यहाँ पर फिल्टर लगा दीजिएगा। तो फिल्टर लगाने के बाद फिल्टर कुछ इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पर आप लिखेंगे R = और इस तरह से R हो गया, R में हम डाल देंगे R.Every, ठीक है। Every लिखने के बाद Every में आप यहाँ पर लिख देना बूलियन, ठीक है। इतना करोगे और इन दोनों को क्लोज करके बंद कर दोगे, अब कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है। तो ये क्या करेगा कि वही रो आएगा जिसमें डेटा है, कोई भी ब्लैंक रो होगी तो वो सब कुछ हट चुकी होगी। तो ये हमारे पास टेबल में आ गया। अब नेक्स्ट काम क्या हुआ, टेबल में डेटा आ गया। अब इस डेटा को हमें जहाँ से भी हमारे पास ये कॉल होगा डू गेट वहाँ पर पहुँचाना है। तो वहाँ पर पहुँचाने के लिए हमें क्या करना होगा, यह तो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, इसमें एरेज है, तो हम क्या करते हैं इसे स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक str लेता हूँ और इस स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, जेसन का उपयोग कर यहाँ पर
जेसन ले लेता हूँ और जेसन में जाके मैं स्ट्रिंगिफाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं प्योर जेसन ऑब्जेक्ट नहीं बता रहा हूँ, वह हम जब यूज़ करते हैं जब हम पर्टिकुलर हमारे कॉलम फिक्स होते हैं। मैं आपको ऐसे वेरिएबल कॉलम वाला बता रहा हूँ, अगर कॉलम बढ़ भी गए तो ये आपको काम करेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये टेबल पास कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है कि स्ट्रिंग बन गई जिसमें एरे के वाइज आपको ये अलग अलग तरीके से डिवाइड रहेगा, ठीक है। इतना किया, इतना करने के बाद अब आपको डेटा वापस दिखाना है। तो देखो हमने पिछली बार किया था रिटर्न, तो सेम यही रिटर्न वाला काम आप यहाँ पर भी कर लो, ठीक है। अब इसमें आप इसे एसटीआर को रिटर्न कर दो, तो यह डेटा कहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, हमने जहाँ से इसे कॉल करेंगे वहाँ पर ये रिटर्न हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको एप्स स्क्रिप्ट में लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब मैं इसे सेव करूँगा, ये सेव हो गया मेरा प्रोजेक्ट। और अब मैं इसे क्या करता हूँ, डिप्लॉय करके एक लिंक जनरेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से डिप्लॉय किया, डिप्लॉय का भी ये बहुत फास्ट हो जाएगा। पूरा देखना हो तो आप मेरा पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें सारी प्रोसेस है। मैंने डिप्लॉय किया और ये सारी वो कुछ परमिशन वगैरह देता है, आप नेक्स्ट प्रीवियस करके परमिशन ले लीजिएगा। ये आपकी URL आ गई, ये मुझे कॉपी करके रखना है। अब मेरा यहाँ का काम खत्म। अब मैं चलता हूँ अपने HTML के पेज पर। तो HTML के पेज पर मैंने एक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट ले रखा है। यहाँ पर आप देखोगे बूटस्ट्रैप की एक CSS जुड़ी हुई है, एक मैंने jQuery का 3.6.3 लिया है। ये विशेष आप ध्यान रखना, अगर ये इधर उधर होगा या इसमें मीन वाली JS होगी तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। और ये बूटस्ट्रैप की हमारी एक CDN जुड़ी हुई है। बस इतना ही कोड है, इसमें कोई एडिशनल अलग से कुछ भी नहीं लिखा है। ये आपको मिल जाएगा आसानी से, नहीं तो मैं इसकी भी आपको लिंक दे दूंगा। अब इसके बाद आप देखो तो मैंने क्या किया, एक टेबल बना ली और टेबल में एक टेबल स्ट्रिप बना ली सिंपल, और एक टी बॉडी रख के एक ID दे दिया उसे माय बॉडी। इसके अलावा मैंने टेबल में भी कुछ भी नहीं किया है, एक सिंपल केवल एक टेबल का स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। अब हम स्क्रिप्टिंग चालू करते हैं। तो स्क्रिप्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब क्या होगा, सबसे पहले काम हमारा हो जाता है कि हमें डॉक्यूमेंट का लोड हो जाए, उसके बाद ही हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, डॉलर डॉक्यूमेंट के बाद डॉट रेडी, और इसमें हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे। पर हम वगैरह हटा दो, इसमें तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये हमारा, तो ये कब चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर jQuery लगा रखी है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर ये वाला फंक्शन लगा दिया। तो ये कब लोड फंक्शन कॉल होगा, जब मेरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर लोड हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो वहाँ से अभी URL मिली थी उस URL से क्या करना है, डेटा फेच करके लाना है। तो उससे डेटा फेच करने के लिए आप क्या लिखोगे, डॉलर डॉट गेट जेसन, है ना। हम जेसन लेना चाहते हैं और कहाँ से लेना चाहते हैं, तो उसकी URL दे देते हैं। तो URL मेरे पास यहाँ से जस्ट अभी हमने कॉपी कर लेते हैं और ये हमने यहाँ पेस्ट कर दी। तो यह URL जो हमने अभी डू गेट बनाया था वो यहाँ से कॉल हो जाएगा। तो इस URL के बाद ये जब प्रॉपर लोड हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल कर देते हैं यहाँ पर भी, और इस फंक्शन में हम डेटा पास कर देते हैं। तो ये डेटा में हमारे पास वह सर जो हमने टेक्स्ट रिटर्न किया था वह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इस डेटा को या तो आप डायरेक्ट प्रिंट करके देख लो कैसा आ रहा है सबसे पहले अगर चाहो तो, या फिर आपको पता है कि मेरा डेटा, मुझे पता है कि यह एक तरह से एरे के फॉर्म में आएगा, तो मुझे इसे एरे को क्या करना है, तोड़ना है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, उसके लिए मैं डॉलर लगा के ईच लगा दूं, और डॉलर के ईच में जो डेटा आया है मेरे पास, इस डेटा को मैं क्या करूँगा, यहाँ से फंक्शन ले लेते हैं हम, और उसमें एक की ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, और की वैल्यू के बाद इस फंक्शन को यहाँ से डिसकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यह क्या होगा कि जो भी मेरे पास डेटा आया वो एक बार तो कनेक्ट हो गया, मतलब कि एक एक रो वाइज हमने इससे, इस फंक्शन से एक 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 रो वाइज उसको सेपरेट कर लिया। अब हमें हर कॉलम की वैल्यू भी अलग लाना है, तो आप क्या करो सेम यही लॉजिक को फिर से यहाँ से कॉपी कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी इस वैल्यू को एज ए डेटा पहुँचा दो, यहाँ पर इस वैल्यू को कॉपी करो और इसे एज ए डेटा पहुँचा दो। मुझे क्या गड़बड़ हो रही है ना, ये अब सही चलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर इसको की वन और वैल्यू वन कर दो। तो ये क्या हुआ कि पहले जो भी डेटा आया था उसको हमने रो से, पहले रो में अलग अलग बांटा, रो से तोड़ लिया और यहाँ पर हमने उसको कॉलम से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हमारे पास इस वैल्यू में हर कॉलम की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, डेटा को डिस्प्ले कराना है। कहाँ पर कराना है, टेबल में कराना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। तो मुझे क्या लग सकता है, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया कि मुझे टेबल लग सकती है, ठीक है। तो मैंने एक टेबल बना ली, टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट मैंने खाली वैल्यू दे दी। उसके बाद मुझे क्या लग सकती है, रो लग सकती है। तो मैंने क्या किया, टेबल के बाद एक मैं बना लेता हूँ रो, और रो के बाद मैं बना लेता हूँ कॉलम, ठीक है। कॉलम बना लेता हूँ, रो हो गई और कॉलम हो गए। कॉलम भी एक से ज़्यादा रहेंगे, रोज़ भी शायद एक से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिस्टम बनाना चालू करेंगे। तो हमारे जो कॉलम है, यहाँ से हम कॉलम को कॉपी करते हैं, और कॉलम के डेटा में कॉलम बराबर कॉलम प्लस हमें क्या लगाना होता है, कॉलम में टी डी। हमने यहाँ पर टी डी बना लिया, ठीक है। टी डी के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे वैल्यू। तो ये क्या होंगी, सब टी डी टी डी टी डी टी डी कनेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। ये आपकी पूरी टी डी कनेक्ट हो गई। अब सारा टी डी का जो डेटा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, रो में ले लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रोज, ठीक है, रोज इक्वल टू रोज के बाद प्लस करके, है ना। अब हम क्या करते हैं, टी आर लगाते हैं हमारे इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, टी आर लगा देते हैं, ठीक है। एक टी आर हुआ, और टी आर में क्या बीच में कॉलम आ जाएगा, जितने भी कॉलम इकट्ठे करें ये यहाँ आ जाएंगे, और वापस से हम इस टी आर को बन, जैसे आप सिंपल एच टी एम एल लिखते हो उसी को हमने करा, क्या जावा स्क्रिप्ट से हम पूरी स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। एक तरह से डायनामिक क्रिएशन भी बोल सकते हो। अब यह हो गया, अब इस वाले में जब वैल्यू ट्रांसफ़र हो गई तो कॉलम को क्या करोगे, खाली करना पड़ेगा। अगर कॉलम को खाली नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, हमें इशू करेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉलम की वैल्यू को हर बार ब्लिंक कर देते हैं। इतना किया, ये सब रेडी हो गया, रोज़ में सारी वैल्यू हमें मिल जाएगी। जब हमारा फंक्शन ख़त्म होगा तो आपको ध्यान हो, मैंने यहाँ पर क्या करा था, टी बॉडी में एक आईडी बनाई थी, माई टी आई वाली, है ना, माई टी बॉडी वाली। इसको हम क्या करेंगे, यह दोनों फंक्शन के जस्ट बाद हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, तो डॉलर लगा के आप उसको देंगे, आईडी से ले रहे हो इसलिए आप हैश दे दोगे, और इसमें क्या करोगे, अपेंड कर दोगे। अपेंड किया, अपेंड हमारे पास ये सारा एचटीएमएल रेडी है, हमने डाल दिया, बस इतना किया। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, एक बार देख लो कोई सिंटेक्स वगैरह कोई एरर तो नहीं है कहीं पर भी, तो उसे सही कर लो। कोई सिंटेक्स वाली भी एरर मुझे नहीं दिख रही है, कोड पूरा आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप इस पेज को कॉल करोगे, पेज लोड होने के बाद यह स्क्रिप्ट कॉल होगी, यह स्क्रिप्ट कॉल होगी, तो ये कहाँ पर जाएगा, हमने जो अभी ऐप स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी थी यह वाली, इस ऐप स्क्रिप्ट पे जाएगा। डू पोस्ट तो नहीं चलेगा, डू गेट कॉल होगा, डू गेट कॉल होगा तो ए से ई तक की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू फिल्टर हो जाएगी यानी ब्लैंक रो हट जाएगी, सारा डेटा एचटीआर में आएगा, एचटीआर से डेटा वापस हमारे पेज पे आ जाएगा, जो हमारे पेज पे आएगा वो डेटा हमें यहाँ मिलेगा। यहाँ पर हमने उसको डेटा को तोड़ा एक तरीके से, डिस्ट्रीब्यूट किया, एक बार कॉलम में किया, एक दूसरी बार रो में किया, और रो और कॉलम से हमने टी डी टी आर बनाकर हमने टेबल बॉडी में डेटा डाल दिया, ठीक है। इतना किया, मैं सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मेरा पेज था इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैं पेज रिफ्रेश करूँगा, ये आपकी गूगल शीट से कनेक्ट होगा, और कनेक्ट होने के बाद ये आपको यहाँ पर डेटा दिखा देगा। तो देखिए, ये जो डेटा गूगल शीट पर था सेम यहाँ पर दिखा रहा। मैं एक बार आपको गूगल शीट भी दिखा देता हूँ, मेरे पास 1, 2, 3, 4 रो थी। आप चाहें तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश करके भी आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर देखो, 1, 2, 3, 1000, 1000, 2000, 3000, 4 किए, और मैंने यहाँ से सेव किया। फिर से हम पेज को रिफ्रेश कर देखेंगे तो आप देखो वहाँ पर से जो हमने डेटा दिया था वो यहाँ पर आ गया। तो आशा है मुझे आपको ऐप स्क्रिप्ट का उपयोग कर डेटा को किस तरह से गूगल शीट से हम हमारे HTML पेज पर, या आप अगर इसे मैं HTML JavaScript का उपयोग करके मैंने दिखाया, यदि आप यहाँ PHP का उपयोग कर रहे थे तो आप PHP में भी उस URL से डेटा को फेच करके इस तरह से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप गूगल शीट का डेटा किसी भी एप्लीकेशन में एज ए API, आप वेब API का उपयोग कर आसानी से दिखा सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी प्रोजेक्ट को और आगे इम्प्लीमेंट करूंगा। जो हमने यहाँ पर ये डेटा दिखाया है, इसके क्लिक पर हमने जो पहले ये इनवाइस बनाई थी, इस पर हम डेटा फेच किस तरह से करते हैं वो पूरा मैं आपको इसमें पूरा लॉजिक बना के बता दूंगा। तो आशा है मुझे आपको डेटा को गूगल शीट से गेट कर HTML में दिखाने वाला पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।